एक वेबसाइट मैंने देखा था मैची करके, फ्री है, काफ़ी अच्छा है। जैसे देख सकते हो इसमें इस तरह के जो मॉडल्स हैं, इस तरह के जो करेक्टर्स हैं, इसमें बना सकते हो सिर्फ एक इमेज के जरिए। सिर्फ एक इमेज आपने डाल दिया यहाँ पर तो आपका वो मॉडल क्रिएट हो जाता है। मॉडल लाइक आप कोई एक प्रोसेस भी बना सकते हो, जैसे आपको कुछ प्रॉक्स बनाने हैं तो वो भी क्रिएट कर सकते हो। हम लोग फ्री में जाते हैं, पहले फ्री में क्लिक किया एंड यहाँ पर आप देखोगे जैसे आप लॉगिन करोगे इस तरीके से रजिस्ट्रेशन पूछेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अपना लॉगिन आईडी डाल देता हूँ, लाइक मैं अपने लॉगिन से लॉगिन आईडी कर लेते हैं मेरे ऑफिशियल अकाउंट से कार्बन टेक एक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूछता है कि आप क्या हो, किस लिए आए हो, किस लिए क्या चीज़ है, आप या टेक्निकल हो, स्टूडेंट हो या टीचर्स हो, और नेक्स्ट और क्या चीज़ें करने के लिए आप आए हो, आप यहाँ पर क्या करने आए हो, क्या देखने। हम लोग एजुकेट होने आए हैं, यानी सिर्फ एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए आए हैं, देखने के लिए आए क्या चीज़ है। तो आपका कुछ मेंबर्स है कंपनी, ऐसे मैं ही हूँ फिलहाल अभी तो। फिलहाल हाउ डू यू हेयर अबाउट, यानी कहाँ से आपने इसको देखा है। मैं यहाँ पे यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड सबमिट सबमिट। अब यहाँ पर जैसे क्या 3D मॉडल इधर से मिल रहा है, इधर देख सकते हो ये सब फ्री 3D मॉडल्स हैं, कंप्लीट फ्री फ्री सारी चीज़ें, ठीक है। देख सकते हो क्या चमक दिख रही है इसमें, क्या चमक दिख रही है, देख सकते हो, ठीक है। इसको करता हूँ, अगर मैं रीटेक्सचर पे जाता हूँ क्या होगा इसमें देखते हैं। ये आपको मिल जाता है, ये मॉडल मिल जाता है, फाइन। इधर मेरे को 200 क्रेडिट्स मिले हैं यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे देख सकते हो। इधर पे ये मॉडल्स है पूरा कंप्लीट। अभी इस मॉडल्स के साथ अभी मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ, डाउनलोड भी कर सकते हैं हम लोग। अभी मैं इसको रीजनरेट करना चाहता हूँ, मेरे को कैसा जनरेट करके से किस टाइप का, अगर ऐसे में ही चाहिए तो रीजनरेट करते हैं, वेट करते हैं, टाइम लगेगा इस चीज़ को। ये मैं अभी कर रहा था, ये हमारे पास देखो ये आ गया है। बोले ये तो चलो यहाँ पर आए वेबसाइट पे, हमको अगर 3D Max पे चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। इधर देख सकते हो डाउनलोड का ऑप्शन है, क्लिक करते हैं। इधर देखो ऑप्शन आते हैं FBX, OBJ, GLB, ये जो भी है STL, ये है। हम लोग मोस्टली चाहिए रहता है FBX, FBX पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड करते हैं। अभी यहाँ बोल रहा है कि 20 आपका जो है क्रेडिट खत्म हो, चलो ठीक है खत्म कर ले, कोई दिक्कत नहीं, हमारे 200 है, फ्री में 200 मिला है, 20 ले लेता हूँ, क्या दिक्कत है। क्लिक किया, डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड हो रहा है, ये डाउनलोड ऑलमोस्ट आई थिंक सो हो चुका है। इसको मैं सेव करता हूँ हमारे इधर पे पिक्चर्स वाले फोल्डर में, एक नया फोल्डर बनाते हैं 3D मॉडल को, 3D मॉडल AI करके, ठीक है। और इसको क्लिक किया एंड इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पर, सेव कर लिया। फिर इसको जो मैंने सेव किया अभी इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट भी कर लिया। फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पर देखो इसके अंदर आपको इसके मैप भी दिख जाते हैं, जो मैप हमको डाउनलोड हुए हैं, और साथ ही साथ ये मॉडल भी डाउन। अभी मॉडल मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके करूँगा इम्पोर्ट, समझ ये मेरा सीन है, अगर कोई भी सीन है यहाँ, ये मैं मेरा सीन है, इस सीन में ये मॉडल डालना चाहता हूँ मैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके इम्पोर्ट किया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि विथ टेक्सचर, जो भी टेक्सचर था कंप्लीट टेक्सचर के साथ में ये मॉडल आ जाता है, सेम वैसी शेप, वैसे कार्विंग जो भी है डिज़ाइन किया हुआ है कंप्लीट, ये हमारे पास आ जाता है। और बोले क्या ये रेंडर भी हो सकता है हमारे वीरे के अंदर, देखते हैं चेक करते हैं वीरे के अंदर कैसा रेंडर होता है, ठीक है। मगर अभी इसको अगर हम लोग पिक करेंगे ना, ये आई थिंक सो होगा स्टैंडर्ड मटेरियल, ठीक है, स्टैंडर्ड मटेरियल भी रेंडर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक सिंपल सी लाइटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, सिंपल सी लाइटिंग लाइक हम लोग कॉस्मोस से, मैं यहाँ से ये वाली लाइटिंग ले लेता हूँ, ठीक है। अभी रेंडर करते हैं, काफ़ी ब्राइट हो रहा है लाइट, लाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइट को कंट्रोल मीन्स यानी कि इसकी जो लाइट है, लाइट कंसेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, इसको 0.1 करके देखते हैं एंड रेंडर करते हैं। तो काफ़ी हद तक बैलेंस हो गया, लाइट बैलेंस तो हुआ है, मैं बहुत इतना भी बैलेंस नहीं हुआ है, तो 0.01 ज़्यादा अंधेरा हो गया तो थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं इसको रेंडर करता हूँ, लाइक रेंडर, और इसको लाइक रेंडर, देखो ये पूरा हमको 3D मॉडल मिल जाता है पूरा कंप्लीट, पूरा वीरे के अंदर रेंडर हो रहा है कंप्लीट, सारी चीज़ें डिजाइन के साथ में। अब बोले अभी इसमें तो ये क्या वहाँ पर पहले से बना हुआ था, हम लोग खुद का कर सकते हैं क्या ऐसा कुछ, कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम लोग को पहले तो जाना होगा उस वेबसाइट पे। हाँ अभी यहाँ पर देख सकते हो इधर पे क्या लिखा है, आपको क्या चाहिए,
आपको चाहिए क्या आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो, यहाँ पर टाइप कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो। आपको यहाँ पर समझ लो कोई इमेज है, कोई इमेज का 3D मॉडल चाहिए, या फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट से आप कुछ टाइप करो तो वो उसका 3D मॉडल बना के दे देगा। अगर कोई, अगर आपके पास इमेज भी है उसका वो 3D मॉडल बना देगा। यहाँ पर कोई इमेज एक हो तो उसका भी वो 3D मॉडल क्रिएट कर देगा। इमेज लाइक हम लोग कोई इमेज ड्रैग करते हैं, लाइक अभी मैं यहाँ से एक इमेज को ड्रैग करता हूँ, ये देखो एक गणेश जी का तो लग रहा है, मैं गणेश जी का इतना डिटेलिंग तो आई थिंक सो नहीं दे पाएगा, ये AI तो क्या इतना डिटेलिंग तो दे नहीं पाएगा। फिर भी ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है डिटेलिंग में, ट्राई करें। मगर उतना डिटेल मेरे को बेकार ही आएगा, मेरे को लग रहा है कुछ इतना खास आने वाला नहीं है। तो गणेश जी को नहीं खराब करते हैं, थोड़ा हम लोग कुछ दूसरे चीज़ें देखते हैं जो हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर समझ लो कोई 2D घर जो होता है, 2D टॉय, 2D हाउस, हाउस लिखता हूँ, जैसे ये हो गया ऐसा 2D जैसा हाउस, ठीक है। इसका 3D बनाना है, जैसे इसको ले लेते हैं, ये मगर ये इसमें जैसे टैक्स आ रहा है, जो मेरे को कम्प्लीटली अच्छे से मिल जाए इमेज, जैसे ये आई थिंक तो ये थोड़ा सही सही है। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद फिर हम लोग आते हैं यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ पर इसको कहाँ सेव किया था, पिक्चर्स में, पिक्चर्स में सेव किया था टेस्ट नाम के फोल्डर में, और ये पिक्चर्स को लगा देते हैं ओपन। तो लोड कर रहा है ये। अभी ये जो इमेज है, अभी इसका हम लोग नाम रख सकते हैं, जो भी हम लोग जनरेट कर रहे हैं उसका हम लोग नाम रख सकते हैं हाउस। और अभी मैं इसको करता हूँ जनरेट, मतलब ये जनरेट कर रहा है, देखते हैं आता क्या है हमारे पास। मैं सिर्फ एक 2D सा पिक्चर डाला है, देखते हैं क्या करता है इसके साथ में ये वेबसाइट। अभी यहाँ देखो मॉडल तो आया, बहुत ही अजीब सा दिख रहा है भी। चलो ठीक है, बढ़िया है। अब यहाँ पर इसके मॉडल्स 3D मॉडल देख, ओ भाई साहब, 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 ये तो भैया बहुत कचरा जैसा दिख रहा है। फिर भी इतना तो कर लिया उसने, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत इसने शेप तो पकड़ा एक साइड से। इसने ऐसे, अगर हम लोग ऐसे देखे, इसने ऐसे शेप तो पकड़ा उसने, वैसे हम लोग उसको फ्रंट से अगर देखते हैं, साइड से देखते हैं, लगभग तो उसने शेप तो ले लिया था, टेक्सचर भी अप्लाई कर दिया था लगभग, काम तो कर दिया था कुछ कुछ। यानी इसको जैसे देखते, जैसे देख इस तरह से, ये इस तरह से बना दिया था उसने, उतना डिटेल नहीं करा। अभी AI अभी धीरे धीरे ट्रेन हो रहा है, सोचो तो अभी इतना कर ले रहा है, धीरे धीरे अगर एडवांस हो गया पूरा एक इमेज था, पूरा आपका 3D मॉडल रेडी। Pixiv.com, यहाँ मिलते हैं आपको 3D मॉडल, सीन फाइल, टेक्सचर और ट्यूटोरियल्स। और भी जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाके आप विजिट कर सकते हो। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाजू के बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।